जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि जीवन में कब कदम आगे बढ़ाना है और कब कदम पीछे लेना है, वो व्यक्ति कभी गरबा नहीं खेल सकता। गोभी, सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है, चलो बताओ। फायदा तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में 2 बार होती है। पापा मुझे एक लड़का तंग करता है, क्या सजा दो उसे? पापा मेरी शादी उसे करवा दो। वाह बेटी, सजा देने में तो तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। इतिहास गवाह है साहब, जब घरवाली खुश होती है तो घरवाला भी खुश होता है, लेकिन जब घरवाला खुश होता है तो घरवाली को केवल शक होता है। बच्चों बताओ, शाहजहां कौन था? जी वह एक मजदूर था। कैसे? आपने ही तो बताया था कि शाहजहां ने कई इमारतों का निर्माण किया है। तुम्हारा निकनेम क्या है? निकनेम वो क्या होता है? घर पर सब तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? कामचोर। मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं इस बार एग्जाम में फेल हो गई तो मेरी शादी रिक्शे वाले से करवा देंगे। अरे वाह, मेरे पापा ने कहा कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे रिक्शा खरीद देंगे। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग पे लगा लो और 2 घंटे बाद पता चले कि स्विच बोर्ड से लाइट ऑन ही नहीं है, तो पता चले कितना दर्द होता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो माँ जी, मैंने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है। 400 के खुले हैं क्या? हाँ माँ जी, है ना। कहते हैं ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है, कहीं मेरे वाले ने आत्महत्या तो नहीं कर ली? बहुत दिनों से मिल नहीं रहा है। कहिए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, लीवर में बहुत दर्द है। शराब पीते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, पर छोटा ही पैक बनाना। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके सपनों में राजकुमारी या हसीनाएं आती हैं। मेरे सपने में तो मैं कभी मर जाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, तो कभी भूत उठा ले जाते हैं मुझे। आजकल के तो माँ बाप बच्चों को पीटने के बाद चॉकलेट देते हैं चुप कराने के लिए। हमारे माँ बाप तो पीटने के बाद चुप कराने के लिए ऊपर से दोबारा और पीट देते हैं। काजल, तुमने क्या कभी कोई नेक काम किया है? हाँ सर, एक बुजुर्ग अपने घर जा रहे थे, धीरे धीरे मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया जल्दी घर पहुंच के। लड़कों की शराफत, लड़के कितने शरीफ और संस्कारी होते हैं। कभी सुना है किसी लड़के ने किसी लड़की को ब्लॉक किया हो? बच्चों आज का ज्ञान, नींद के पीछे मत भागो, भागना है तो पढ़ाई के पीछे भागो, नींद झक मार के पीछे आएगी। विदेश में ठंडी, इट्स टू कोल्ड, टेक केयर। और हमारे भारत में, अबे देख तेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। पापा मुझे डीजे खरीद कर दे दो। नहीं दूंगा, तू लोगों को बहुत तंग करेगा। नहीं करूंगा पापा, जब सब लोग सो जाएंगे तब बजाऊंगा। पता नहीं लड़कियां इतना एटीट्यूड क्यों दिखाती हैं, सबको पता है शादी के बाद बर्तन धोने उन्होंने ही हैं।